नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। आज बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में पानी और गंदगी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। नगर निगम लखनऊ जोन 6 के अंतर्गत साफ सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्था ध्वस्त है। सभी नाले खराब पड़े हैं, अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। कई महीनों से जल की समस्या को लेकर जनता पूरी तरह से परेशान है। देखा जाए तो कई जगह ऐसी है जहां नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा कचरा उठाने नहीं पहुंचती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सफाई अभियान के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम और जलकल विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता के लिए क्या कदम उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ में इस तरह के हालात हैं, प्रदेश की राजधानी में इस तरह के हालात हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, तो फिर दूसरे जिलों का क्या हालात होगा। ये हालात तब है जब उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, क्या कुछ कहना है लोगों का वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला है और मैं अलीगंज वार्ड का रहने वाला हूँ। पार्षद तो आदमी आराम से बन जाते हैं, वोट मांगने आएंगे, वोट उनको मिल जाएगा, फिर काम करने को उनका कोई भी तरीका नहीं। दूसरी चीज, नालियाँ ऐसे भरी रहेंगी, सीवर ऐसे खुले रहेंगे, रोडें बननी नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपका? मेरा नाम शारदा है, मैं खजुल्लागंज से हूँ और समस्या ये है कि नगर निगम के चुनाव ना होते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग के रोड में नालियाँ इतनी गंदगी हैं, कूड़ा कचरा है रोड पे पड़ा रहता है, सफाई नाम की चीज़ नहीं है। आखिरी के साल जब वोट आता है तब पूरी गलियाँ चमकेंगी, उसके बाद पूरे चार साल तक कोई देखने नहीं आएगा, खूब गंदगियाँ रहती हैं। सभासद से कहो वो सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? सकीला। क्या समस्या है आपकी? अरे ये भैया, नल इतने दिनों से खराब पड़ा है, लाइट बत्ती भी चली गई और साफ सफाई देखिए गंदगी नाली में या कितनी होती। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। नगर निगम लखनऊ जोन 6 का एक पूरा मामला है जहाँ पर साफ सफाई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्था ध्वस्त है, सभी नाले खराब पड़े हैं, नालों में कूड़ा भरा पड़ा है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कई महीनों से ऐसी समस्या बनी हुई है, पानी पीने का नहीं आ रहा है, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जल निकासी नहीं हो पाती है। देखा जाए तो जनता परेशान है लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा कचरा उठाने नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सफाई अभियान के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर निगम और जलकल विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता के लिए क्या कदम उठाती है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि निकाय चुनाव चल रहा है उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं होती है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, जीवन यापन मजबूरी में करने के लिए मजबूर हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो यूपी की राजधानी में गंदगी से लोग पूरी तरह से परेशान हैं, नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है, पानी और गंदगी से बच्चे पूरी तरह से बीमार हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, पानी की समस्या से जनता बेहद परेशान है, नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो कचरा उठाने नहीं पहुंच पाती हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर नगर निगम की जो लापरवाही है, जो अनदेखी है, वो साफ तौर पर कैमरे में कैद हुई है। देखिए, नालियां बनी हुई है लेकिन नालियों से पानी निकासी नहीं हो पाती है क्योंकि नालियां पूरी तरह से चौक हो चुकी हैं, नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है, पानी पीने का नहीं पहुंच पाता है लोगों तक और इसी गंदगी की वजह से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। हैंडपंप है लेकिन हैंडपंप में पानी नहीं आता है। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है, जो निगम की गाड़ियां हैं वो कूड़ा उठाने के लिए नहीं पहुंचती, उसके बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि पहला चरण निकाय चुनाव का हो चुका है, दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो समस्या लगातार बनी हुई है, जनता बेहद परेशान है और नगर निगम की अगर बात करें या निकाय चुनावों की हम बात करें तो यही स्थानीय मुद्दे होते हैं कि पानी जो है वो समय पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल निकासी की समस्या तो नहीं है,
जो पीने का पानी है वो समय पर मिलना चाहिए, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, साफ सफाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर यही नहीं हो पा रहा है लखनऊ जैसे जगह पर, तो आप समझिए कि दूसरे जिलों के हालात कितने बदतर होंगे। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नालियां बनी है, सड़कें बनी है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त है, नालियां पूरी तरह से चौक हो चुकी है, ना तो पीने का पानी है, ना ही गंदे पानी की कोई निकासी है। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान है। इसी गंदगी में जीने के लिए लोग मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तो एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर दिखाया जाए, ताकि पता चले कि लखनऊ में हालात कितने बदतर हो चुके हैं। तो लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, लोग लगातार परेशान हैं, लोगों की राय क्या कुछ है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि बेहद परेशान हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, दोबारा से सुनिएगा क्या कुछ कहना है लोगों का। मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला है और मैं अलीगंज वार्ड का रहने वाला हूँ। पार्षद तो आदमी आराम से बन जाते हैं, वोट मांगने आएंगे, वोट उनको मिल जाएगा, फिर काम करने का उनका कोई भी तरीका नहीं। दूसरी चीज, नालियाँ ऐसे भरी रहेंगी, सीवर ऐसे खुले रहेंगे, रोडें बननी नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपका? मेरा नाम शारदा है, मैं हजुल्लागंज से हूँ, और समस्या ये है कि नगर निगम के चुनाव ना होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोग के रोड में नालियाँ इतनी गंदगी हैं, कूड़ा कचरा है, रोड पे पड़ा रहता है, सफाई नाम की चीज़ नहीं है। आखिरी के साल जब वोट आता है तब पूरी गलियाँ चमकेंगी, उसके बाद पूरे चार साल तक कोई देखने नहीं आएगा, खूब गंदगियाँ रहती हैं, सभासद से कहो वो सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? शकीला। क्या समस्या है आपकी? अरे ये भैया, नल इतने दिनों से खराब पड़ा है, लाइट बत्ती भी चली गई, और साफ सफाई देखिए गंदगी नाली में यहाँ कितनी होती है। ने लोगों को सुना है, स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, उनका कहना है कि गंदगी का अंबार लगातार लगा हुआ है। हम लगातार शिकायत कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया जा रहा है। शारदा प्रताप हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारदा जी, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था है वो तो दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की राजधानी में ही हालात बदतर हैं, और वो तब जब निकाय चुनाव चल रहा है। हेलो, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी बोलिए। सर, मैं ये कह रही हूँ कि निकाय चुनाव चल रहा है, प्रदेश की राजधानी के हालात बदतर हैं, क्या आपने शिकायत नहीं की इस पूरे मामले को लेकर कभी? मैम, मैंने शिकायत बहुत बार की है कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही मतलब कुमार गड्ढा है, उसमें गंदगी है, प्लस नाला नाली साफ बहुत नहीं होते, इसके लिए बहुत मतलब अपने उससे कहा गया है, सभा करके सुनवाई भी एक दो बार हुई, लेकिन वही है कि जैसे 10 बार करो तो एक बार सुनवाई होती है। अब जैसे इलेक्शन आया है नगर निगम का, सबसे सब तो अब वही है, जब इलेक्शन आता है तो सब दिखते हैं, वरना कोई नहीं दिखता है। तो अभी आज हम देखें तो निकाय चुनाव जो है उसका दूसरा चरण है, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में हालात कैसे हैं, क्योंकि यही मुद्दे हैं, साफ सफाई, पानी की समस्या, जल निकासी की समस्या। जनता को और क्या चाहिए, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, और हम लोग अगर कोई कंप्लेन करते हैं कम से कम उसकी सभासद सुनवाई करे, उसका काम करे। कोई चीज को अगर कोई कह रहा है तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा, तभी तो हम लोग, क्या डेंगू इतना फैलता है कुमार गड्ढे में, पूछिए मैं, गंदगी की वजह से सिर्फ होता है। जो यहाँ के पार्षद हैं, जो विधायक हैं, क्या वो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलते?
मैम कहा जाता है 10 बार शिकायत करें तो एक बार होता है, मतलब आश्वासन दिया जाता है लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ कागजों में एक्शन लिया जाता है। जी मैम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से स्थानीय लोगों की शिकायत है, उनका कहना है कि वो कई बार शिकायतें कर चुके हैं, हर बार जाते हैं पार्षद के पास जाते हैं, विधायक जी के पास जाते हैं, अपनी तकलीफ से उनको अवगत कराते हैं लेकिन आश्वासन दे दिया जाता है, अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां पर कागजों पर आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन त्वरित एक्शन जमीनी स्तर पर नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। आप देखिए कि हालात लखनऊ के कई इलाकों के कितने बदतर हो चुके हैं। प्रदेश की राजधानी है, निकाय चुनाव चल रहा है और निकाय चुनाव का मतलब है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, साथ ही साथ जो सफाई व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए। अगर यही लखनऊ में सही नहीं है तो फिर आम जनता का जो रोष है वो वाकई सड़कों पर नजर आएगा और ऐसे ही हालात फिलहाल लखनऊ में नजर आ रहे हैं। जो आम जनता का रोष है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, लोग निकल रहे हैं, शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वोट का भी कई जगहों पर बहिष्कार किया गया है। तो कचरा उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, आखिर क्यों नहीं पहुंचती हैं? सवाल बहुत बड़ा है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जाइए साफ सफाई की व्यवस्था करिए, गाड़ियां पहुंचाइए इलाकों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकारी चुप बैठे हुए हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो पानी और गंदगी से लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लखनऊ की एक जगह के हालात नहीं है, कई ऐसे जगह है जहां पर हालात बुरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश स्थानीय नागरिक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, क्या समस्या है आपके, आपके इलाके में क्या सफाई व्यवस्था पर्याप्त है? देखिए एक बात बताएं, जिस तरीके से लगातार नगर निकाय के चुनाव आते हैं, लगातार स्वच्छता की बातें की जाती हैं कि नगर को हम साफ बनाएंगे, सुथरा बनाएंगे, स्वच्छ करेंगे और स्मार्ट सिटी बनाने के दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है, चुनाव के टाइम तो सभी लोग प्रत्याशी हो या कोई भी हो वादे तो तमाम करते हैं, लेकिन स्थिति जो अगर बताया जाए तो स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है, स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। अगर गंदगी की बात कर लो तो गंदगी भी बहुत रहती है, मतलब कुछ भी अगर देखो बात करो तो अभी भी वैसी की वैसी ही गंदगी बनी रहती और कोई सफाई नहीं होती। हाँ, जब चुनाव होता है तो सभी जो भी प्रत्याशी होता है वो यही कहता है कि चल रहा है, आज दूसरे चरण का मतदान है तो तस्वीरें ऐसी हैं। चुनाव वही मैं बता रहा हूँ कि चुनाव जब आता है तो कोई भी प्रत्याशी होता सब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम नाली साफ कराएंगे, फॉग मच्छर वगैरह के सब छुटकारा दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो तमाम वादे करते हैं, लेकिन काम जब जीत जाते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद जो गंदगी है वैसे की वैसी ही पड़ी रहती है, जो भी नालियों में अगर देख लो तो अभी भी वैसी ही गंदगी पड़ी है, उसमें कोई सुधार नहीं होता। हाँ, ये एक बात है, जब चुनाव वोट मांगने आते हैं तो यही वादा किया जाता है कि सब कुछ साफ करेंगे, गंदगी साफ कर देंगे, पार्क बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। क्या मुद्दे रहे हैं, कितना विश्वास आम जनता जता रही है? देखिए, जनता के लगातार, चाहे आज इस बार का चुनाव हो या पिछले चुनाव हो, जनता के मुद्दे एक ही रहते हैं। जनता को क्या चाहिए, जनता को आप भी जानते हैं, जनता को सिर्फ चाहिए बिजली, लाइट, पानी, तो साफ सफाई, स्वच्छता, यही चाहिए। जनता के मुद्दे यही हैं, हमेशा यही रहेंगे, लेकिन ये मुद्दे हमेशा चलते रहेंगे और ये जो मुद्दे हैं हमेशा चलते रहेंगे, मुद्दों पे काम नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी सरकारें आती हैं चली जाती हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात कोई नहीं करता। क्यों आप कह रहे हैं, क्या हताश हो चुके हैं, उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, हताश होने की बात है, बात वही मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, जो जनता के मुद्दे हैं वो हमेशा बने रहते हैं, मुद्दे कभी जनता के, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम सरकार कभी नहीं कर पाती। सरकार आती है चली जाती है, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी, कोई भी सरकार हो, जो जनता के मुद्दे हैं, बस चुनावी टाइम तो जरूर कहेंगे कि हमको ये करना वो करना, लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो गंदगी भी है काफी, आप हमारे क्षेत्र की बात कर लो तो यहाँ भी गंदगी बहुत फैली हुई है, नालियों में काफी कचरा भरा हुआ, मच्छर काफी है, सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ सफाई नहीं हो पा रही, लेकिन वादे वही किए जा रहे हैं फिर से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो लखनऊ में हालात बद से बदतर हैं, नगर निगम की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, निगम की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंचती हैं, पानी और गंदगी से लगातार बच्चे बीमार
हो रहे हैं। ऐसे में कई शिकायतें लेकर लोग पहुंचे हैं कि उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, कई बार स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है और इसी गंदगी में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। मेरे सहयोगी नदीम खान मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। नदीम, निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह से हो रही है, 38 जिलों में मतदान हो रहे हैं, ऐसे में अगर लखनऊ के हालात देखे जाएं साफ सफाई के लिहाज से तो बहुत ही बदतर है, क्यों, क्या वजह है? देखिए, अगर बात कर ले लखनऊ के गांव की और शहर में लगातार जो है नल में पानी नहीं आ रहा है, जो जनता है वो पूरी तरीके से परेशान हो गई है, नल में पानी नहीं आ रहा है और नालियों में कूड़ा कचरा जमा हुआ है, जो नगर निगम की टीम है वो पूरी तरीके से लापरवाही बरतते हुए नजर आ रही। जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए थे लखनऊ को स्वच्छ बनाने के लिए, उसी को देखते हुए जो आला अधिकारी नगर निगम के और मुख्यमंत्री के आदेशों पे पूरी तरीके से पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब देखना ये होगा कि जो लखनऊ की जनता है और पूरी तरीके से जो परेशान हो गई, उस पर सरकार किस तरीके से कार्यवाही करती है। जी ठीक है, तो क्या एक्शन लिया जा रहा है, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि पीड़ितों से मैंने बात की है, जो स्थानीय नागरिक है उनसे मैंने बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन एक्शन नहीं होता है, क्यों, क्या वजह है एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों इनको चुना गया है, क्यों इनको वो पद दिया गया है, इसीलिए ना कि काम करे, प्रदेश में साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन पर पलीता क्यों लगाया जा रहा है प्रदेश की राजधानी में। देखिए, जो जनता है और जो पीड़ित है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, वो अपनी शिकायत लेकर आला अधिकारी के पास जाते हैं लेकिन जो अधिकारी है उनकी बातों को सुनकर टाल देते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जो जनता है पूरी तरीके से परेशान हो गई है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि गंदगी से जो बच्चे हैं वो बीमार हमारे हो रहे हैं और काफी ऐसे जो नल में पानी नहीं आ रहा है और हैंडपंप जो सूखे पड़े हुए हैं, पिछली सरकार में हैंडपंप लगाए गए थे लेकिन इस बार जो 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योगी सरकार को पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक जो है नल सूखे पड़े थे, हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा, इससे जो जनता है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। जो उनके आला अधिकारी है वो जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है लेकिन जो इसमें जो जनता है वो शिकायत के लिए कहीं ना कहीं जाती है लेकिन उनकी शिकायत पूरी नहीं जाती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा किस तरीके से जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि देखना होगा कि कार्रवाई कब तक की जाती है और कितने सालों से हम देख रहे हैं। अगर लखनऊ की हम बात करें तो नदीम, कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात बदतर हैं, कौन कौन से वो इलाके हैं, क्या इनमें रिहायशी इलाके भी है? देखिए, अगर जोन की बात कर ले तो नगर निगम जोन 6 और जोन 3 और जोन 1 के ऐसे जो इलाके हैं जहाँ नगर निगम लखनऊ का पॉश एरिया माना जाता है लेकिन वो वही एरिया जो है पूरी तरीके से गंदगी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने भी देखा किस तरीके से गंदगी फैली हुई है, नालियों में कूड़ा जमा हुआ है और जो नल है वो पूरी तरीके से सूखे पड़े। इससे अगर बात कर ले तो जल का विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है लेकिन जो नल है वो सूखे पड़े हुए, पानी नहीं आ रहा। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा कि जो जनता है वो पूरी तरीके से अपनी अपील कर दी सरकार से, जो नल में पानी नहीं आ रहा है, नल में पानी आए और जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है उसको साफ सफाई के लिए जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे और साफ सफाई की जाए। जी बिल्कुल, दिशा निर्देश थे, साफ सफाई होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी ऐसी जनता है जो इस गंदगी से प्रभावित हो रही है, क्योंकि जानकारी मिली है कि कई बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, कई तरह की गंभीर बीमारियां बच्चों को हो रही हैं गंदगी की वजह से। देखिए, अगर बात कर ली जाए तो जनता जो पूरी तरीके से परेशान हो गई है, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, अभी कोरोना भी लगातार लखनऊ में फैलता नजर आ रहा है, कोरोना से भी जो गंदगी होती है कोरोना से भी ये होती है लेकिन जो पूरी तरीके से जो साफ सफाई के लिए अभियान चलाया गया था उस पर कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी है मुख्यमंत्री के पानी फेरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई, देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती है। जो लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं, अगर लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि अभी आपने देखा किस तरीके से गंदगी फैली हुई है लेकिन वहां पे जो नगर निगम की टीम है वहां पे नहीं पहुंच पाती, जो ठेकेदार होते हैं वो वहां का ठेका उठाते लेकिन सफाई करने में पूरी तो यहाँ के अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत है जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि गाड़ियां तो नगर निगम की हैं, अलॉट की गई है, तो कूड़ा उठाने क्यों नगर का भ्रमण करने नहीं जाती हैं, क्या वजह है, ठेकेदार नहीं करते या जो कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी से भागते हैं? देखिए, अगर यहाँ बात कर ली जाए जो आला अधिकारी है नगर निगम के अधिकारी और जो ठेकेदार होते हैं छोटे मोटे ठेकेदारों की मिली भगत से ये खेल चलता है, पूरी तरह से खेल चलता है। जो वहाँ की जनता जो लोग पास में लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको सफाई करने पे पूरी तरह से मजबूर रहते हैं, वो अपने हाथ से सफाई करते हैं
गलियों की बात कर लीजिए, गलियों में कूड़ा जमा रहता है, नालियां जमा रहती है, बड़ी बड़ी जो नगर निगम की गाड़ियां होती है वो गलियों के अंदर जा नहीं पाती, लेकिन अगर गलियों के अंदर गाड़ी भी जा पाती है, जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको कम से कम कुछ ना कुछ सोचना चाहिए जनता के लिए, वो तो अंदर जाके सफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला कि पूरी तरीके से जो गंदगी है वो पूरी तरह फैलती नजर आ रही है। कोरोना भी कहीं ना कहीं लखनऊ में फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें जो अधिकारी पूरी तरीके से इनकी लापरवाही सामने नजर देखने को मिल रही है। जी नदीम, कितनी आबादी ऐसी है जो इस समस्या से परेशान है, प्रभावित है, कितनी बार शिकायतें हो चुकी है, यहाँ के जो विधायक है इलाकों के उनका क्या कुछ कहना है, जो यहाँ के पार्षद है वो क्या कुछ कहते हैं, अब तो नई सरकार बनने वाली है चुनाव के बाद। देखिए अगर पार्षद की काजुल बात कर ली जाए, जो भावी प्रत्याशी होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना जब नगर निगम चुनाव नजदीक आता है वोट मांगने के लिए सबके दरवाजे जाते हैं, वोट मांगते हैं, जब हालांकि उनको जनता जो होती जिता देती है, वो जीतने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जनता की कुछ समस्याओं का समाधान नहीं करते, ऐसे में जनता जो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, इसलिए जो जनता होती है वो अब अपना वोट डालने के लिए नहीं जाती, जब उनकी सुनवाई नहीं सुनी जाती है जो जनता वोट क्यों डालेगी, ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जो प्रत्याशी होते हैं वो साफ सफाई के लिए उनको क्षेत्र का वार्ड का सुना जाता है, वो पूरी तरीके से डाल जाता है। मैं कह रही हूं कि आबादी कितनी है पूरे क्षेत्र की जो इस समस्या से प्रभावित है। देखिए अगर आबादी की बात कर ली जाए तो आबादी काफी है लखनऊ में, जो पूरी तरीके से जो जनता है वो पूरी तरीके से परेशान हो गई, कितनी आबादी है लखनऊ में जहाँ सफाई नहीं होती है और नगर निगम भी नहीं पहुंचती है, पूरी तरीके से जो जनता है वो बेहाल नजर आ रही है, ऐसे में जो अधिकारी है उनके उनका पर कार्रवाई करने के लिए जनता अपील कर रही है योगी जी से। जी नदीम, क्या लखनऊ में चुनावी मुद्दे स्थानीय लोगों के यही है, साफ सफाई? बिल्कुल आपने सही कहा, जो चुनावी मुद्दे हैं वो लोगों से जो मतदान करके आए हैं जो जा रहे हैं। देखिए मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था कि जो चुनाव नजदीक आता है वोट के लिए जो प्रत्याशी होते हैं वो घर के दरवाजे पे आते हैं, जब उनको सफाई के लिए बुलाया जाता है दरवाजे पे तो वो दरवाजे पे नहीं आते, वोट मांगने दरवाजे पे आ जाते हैं, जब सफाई होती है तो अपना वो कोई ना कोई अधिकारी या कोई ना कोई अपना ठेकेदार भेज देते हैं, लेकिन सफाई वो देख के चले जाते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पे। जी चलिए ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के। जो लखनऊ का ये पूरा मामला है जहां पर साफ सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालात तब ऐसे हैं जब उत्तर प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण को लेकर मतदान हो रहा है, अब देखना होगा कि अधिकारी लखनऊ में कब जागते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।